यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाजिर हैं नए प्रोग्राम के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक भी ख़ास तौर पर ख्वातीन की फरमाइश पर ये टॉपिक हम कर रहे हैं। इससे पहले इस टॉपिक को शायद हम कर चुके हैं, लेकिन काफ़ी टाइम पहले। तो कुछ हमारी बहनें, कुछ हमारी बच्चियाँ ऐसी हैं कि जिन्होंने नहीं देखा, तो वो कहती हैं कि हमें वो टॉपिक नहीं मिल रहा। तो आप नया जो प्रोग्राम करेंगे तो उसमें उस टॉपिक को भी थोड़ा सा शामिल कर दें। तो इसलिए आज हम उस टॉपिक को भी साथ में शामिल कर रहे हैं। तो आज उस शादी की बात की जाएगी कि जो शादी टूट कर दोबारा बन जाती है। वो शादी किस तरह की होती है और लकीर हाथ में किस तरह से होती है और कैसे होती है, वो मैं आपको बना के बताता हूँ। इनको अपने हाथ में, अपने दोस्तों के हाथ में, अपने जानने वालों के हाथ में, अपने रिश्तेदारों के हाथ में आप इसको चेक करें। अगर ऐसा मामला है, अगर आपके अपने हाथ में इस तरह का मामला है, तो कोशिश करें कोई ऐसा इकदाम ही ना करें कि ये मामला टूटे और टूट कर दोबारा बने। क्योंकि बहुत सी बच्चियों ने हमें कई बार यानी फ़ोन किए तो उन्होंने कहा, जी मेरी शौहर के साथ लड़ाई हो गई थी, झगड़ा हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, और शौहर ने मुझे मेरे माँ बाप के घर में छोड़ा, फिर आज तक वो लेने नहीं आया, ये लेने नहीं आ रहा, क्या वजह है? वो वापस आएगा या नहीं आएगा, या मैं दूसरी शादी कर लूँ या ना करूँ, क्या करूँ? तो उनके लिए कह रहा हूँ कि वो अपने हाथ को ज़रूर देखें और हाथ में ये लकीरों को ज़रूर तलाश करें। अगर इस तरह की लकीरें हैं तो मामला बनने के चांस मौजूद हैं, उसको आप हल कर सकते हैं, देख सकते हैं। सबसे पहले ये लेफ्ट लाइन ज़िंदगी की लकीर, ये ज़िंदगी की लकीर, डबल लकीर ज़िंदगी की। और इसी तरह ये दिमाग की लकीर जो है ना, वो इस तरह से, और ये दिल की लकीर इस तरह से ये बनी हुई है। और शादी की लकीर जो टूट कर दोबारा बनती है, वो किस तरह से लकीर है, ये जनी चली और ये बीच में टूट गई और आगे फिर चल पड़ी, यानी बीच में थोड़ा सा ब्रेकअप आया, उसके बाद ये सिलसिला फिर चल पड़ा। अच्छा, ये सिलसिला कैसे टूटेगा और कैसे चलेगा ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इनकी जो वाइफ है उसके हाथ में जो लाइफ लाइन है डबल है, यानी ज़िंदगी की लकीर डबल है। डबल ज़िंदगी की लकीर से ये होता है कि ऐसे लोग पत्थर खाएं, लोहा खाएं, लकड़ खाएं, चांदी खाएं, सोना खाएं, इनको हज़म हो जाता, जो कुछ खाएंगे इनको हज़म हो जाएगा। इसलिए ज़िंदगी की लकीर डबल है और बीमारियां इनसे छुपती हैं। लोग बीमारियों से बचते हैं ना। आज इस तरह हमारे एक जानने वाली आई हुई थी, तो उनको ज़ुकाम था, तो मैं उनका गिलास भी इस्तेमाल नहीं किया, उनकी कुर्सी भी इस्तेमाल नहीं की, कुर्सी मैंने दूसरी ले ली डर की वजह से कहीं ऐसा ना हो जाए। तो अभी जो शादी की लकीर टूट कर जुड़ रही है, ऐसा क्या है? इनका ऐसा हुआ कि मियाँ बीवी के दरमियान काफ़ी लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, फसाद हुआ। शौहर ने कहा था मेरे कहने के बगैर तुमने घर से बाहर नहीं निकलना। तो उसके वालिद साहब की तबीयत ख़राब थी, तो उस लड़की ने कहा कि मैं अपने वालिद साहब को देखने जाऊँगी, उनकी तबीयत ख़राब है। शौहर को फ़ोन करती रही लेकिन शौहर का फ़ोन मिल नहीं रहा था। शौहर किसी ऐसी जगह में था जहाँ पर सिंगल नहीं आते थे, तो उसको बहुत परेशानी हुई कि अब मेरे वालिद साहब की तबीयत ख़राब है। और मैंने भाई से कहा कि तुम अपनी बाइक लेकर आओ और मुझे ले चलो घर। तो इस बात पे वो घर चली गई। घर चली गई, जब शौहर काम से थका हुआ आया, उसने आके देखा घर में ताला लगा है, ताला, और वो वहीं से ब्लास्ट होना शुरू हो गया कि क्या हुआ, कहाँ गई, किसके साथ गई, भाग गई, ये हुआ, वो हुआ, हज़ार तरह की बातें उसके दिमाग में चलने लग गई। तो उसने कहा जी अभी मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं देखूँगा क्या करते, बजाय इसके कि वो वहाँ जाता और पूरी कहानी मालूम करता कि भाई क्यों आई, किस तरह आई, कैसे हुआ। तो उसने वहाँ कुछ करने के बजाय जो है ना बीवी को वहाँ फ़ोन कर दिया और उस बीवी को कह दिया जी लो आज के बाद मैं तुम्हें कभी लेने नहीं आऊँगा, तुम वहाँ ही रहो, तुम मेरे कहने के बगैर। उसने कहा मेरी बात सुने, बोला मुझे कोई बात नहीं सुननी, मुझे पहले ही शक था कि तुम किसी के साथ, तुम्हारा कोई चक्कर चल रहा है, लेकिन तुम्हें मौका नहीं मिलता था, आज तू उसके साथ कहीं घूमने चली गई। उसने कहा मेरी बात आप सुने, बोला मुझे नहीं सुननी आपकी बात। इस बात पे काफ़ी देर लड़ाई हुआ, मल्ले वालों ने कुछ तमाशा देखा, कुछ अजीज़ों ने तमाशा देखा, शौहर वहाँ से वापस आ गया। फिर क्या हुआ कि वो सारे जनी मिले आपस में, एक एक करके जनी मिलते चले गए। और मिलने के बाद ये हुआ कि कुछ बुज़ुर्ग बीच में बैठ गए, कुछ बड़े बैठ गए, कुछ जानने वाले बैठ गए, कुछ रिश्तेदार बैठ गए। बैठकर उन्होंने सबको समझाया बुझाया कि भाई अच्छा खासा मामला चल रहा है, क्यों ख़राब कर रहे हो। और शौहर की भी समझ में आ गया कि इसके वालिद की तबीयत ख़राब थी और मुझे ये फ़ोन करती रही। और उसने फ़ोन सबूत के तौर पर दिखाया कि देखो मैंने आपको 15 से 20 कॉलें की, आपकी कॉल नहीं लग रही थी, तो मैं मजबूर थी, मेरे वालिद साहब जो बहुत ज़्यादा बीमार थे,
तो मैं इसलिए चली गई, वो मामला जूं का तू हल हो गया। यानी शादी टूट गई, उनके कहने मैं नहीं लेके जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मामला ख़त्म। लोगों ने तमाशा देखा, बाद में जब थोड़े दिमाग ठंडे हुए तो बुज़ुर्गों ने बीच में बैठ गए, यार क्यों, अच्छा खासा घर है, दो तुम्हारे बच्चे हैं, फूल से बच्चे हैं, और सब तबाह हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, समझाया बुझाया सब कुछ किया, उसके बाद मामला हल हो गया। तो इस तरह की लकीरें अगर किसी के हाथ में मौजूद हैं तो इस तरह के वाक़यात हो सकते हैं, लेकिन उसको ठंडे दिमाग से अगर सोल्व करने का, हल करने की कोशिश करें तो वो हल हो जाएंगे। अगर गर्म दिमाग से गुस्से में जज्बात में आके करेंगे तो मामले बिगड़ेंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, ये था हमारा आज का टॉपिक, और इसके साथ ही शुरू करते हैं सवाल व जवाब का सिलसिला। समीना ने सवाल किया है रावलपिंडी से कि मेरी एक बेटी है, ये बताएं कि मेरे नसीब में और औलादें हैं या नहीं। बिल्कुल, आपके हाथ में औलादों की तीन लकीरें मौजूद हैं, दो औलादें आपकी मज़ीद होंगी और अल्लाह के फजल से हालात बेहतर होंगे और बहुत अच्छे होंगे। नईम ने सवाल किया टंडू जाम से कि ये बताएँ कि मेरे हालात कब बेहतर होंगे। प्यारे दोस्त, आपके हालात बेहतर होने में कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन अल्लाह के फजल से बेहतर होंगे ज़रूर। अदील ने सवाल किया लाहौर से कि ये बताएं कि मेरी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। हाथ की लकीरों के हिसाब से आपकी शादी लव मैरिज होगी और शादी कामयाब रहेगी और शादी 2024 में होगी। अरूज ने सवाल किया फैसलाबाद से कि मेरे हाथ में शादी की दो लकीरें हैं, ये बताएं कि मेरा क्या होगा। देखें जी, हाथ की लकीरें दो हो सकती हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि दो शादियाँ हैं, इसका मतलब ये होता है कि एक चांस मौजूद होता है कि खुदा न खास्ता अगर कोई शादी में प्रॉब्लम आती है तो दूसरी शादी का ऑप्शन मौजूद होता है, और ये भी कुछ लोगों के हाथ में होता है, वरना हाथ में तो दो दो तीन तीन शादी की लकीरें होती हैं। आसम ने सवाल किया कुआर से कि ये बताएं कि मेरी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी और कब होगी। हाथ की लकीरों के हिसाब से आपकी शादी अरेंज मैरिज होगी और आपकी शादी 2023 में होगी। मारिया कौसर ने सवाल किया आज़ाद कश्मीर से कि मेरे हाथ में शादी की कितनी लकीरें हैं और कितनी शादियां होंगी। हाथ की आपके हाथ में शादी की एक लकीर है और आपकी शादी 2023 के दरमियान में होगी और शादी कामयाब रहेगी और ये शादी अरेंज मैरिज होगी। राविया ने सवाल किया बावलपुर से कि ये बताएं कि मेरी शादी कब होगी और कैसे रहेगी। आपकी शादी 2023 के आखिर में होगी और शादी कामयाब रहेगी, शादी के बाद हालात बेहतर होंगे। कुबरा जमाली ने सवाल किया कराची से कि दौलत और कामयाबी कब मिलेगी। आपके लिए ये नया साल जो है अल्लाह के फजल से अच्छा है, इसमें आप कोशिश करें, दौलत भी मिलेगी और इंशाल्लाह बहुत से मकासद में कामयाबी मिलने के भी चांस हैं। इरशाद 1122 ने सवाल किया रावलपिंडी से कि मेरे आने वाले वक्त के बारे में कुछ बता दें कि कैसा होगा। प्यारे दोस्त, आपके हाथ में किस्मत की लकीर बहुत अच्छी है, आने वाला वक्त अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा होगा और बहुत सी कामयाबियाँ नसीब होंगी। कोशिश करें अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा दीन की तरफ रागब करें और कोशिश करें या जब्बार हो या कहार हो जो है इसको पाबंदी से पढ़ते रहा करें, अल्लाह की रहमत होगी। अली ने सवाल किया अरुणाबाद से कि मैं बाहर मुल्क जा के सेटल होना चाहता हूं, क्या ये बताएं कि मुझे इसमें कामयाबी मिलेगी या नहीं। प्यारे दोस्त, आप कोशिश करें, अल्लाह के फजल से आप कामयाब होंगे और बेहतरी होगी, और नमाज की पाबंदी लाजमी करें और इसके अलावा सूरह फातिहा जो है उसको पढ़ते रहा करें, बहुत रहमत होगी। सना ने सवाल किया कराची से कि ये बताएं कि शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। आपकी शादी लव मैरिज होने के चांस ज़्यादा हैं और शादी आपकी 2023 के आखिर और 2024 के आगाज़ में होने के चांस हैं। उस्मान सलीम ने सवाल किया कराची से कि मैं कनाडा जाके शिफ्ट होना चाहता हूँ, 6 माह के अंदर अंदर ये मेरा मामला हो जाएगा या नहीं। देखें जी, वहाँ सेट होने के मामला तो हैं, रही बात 6 माह की, तो उसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती, क्योंकि आपके हाथ में सफ़र की लकीरें इतनी गहरी नहीं हैं। अगर ये गहरी हो जाती हैं तो हो सकता है कि चांस बने कि नए साल के अंदर आप बाहर चले, लेकिन फिलवक्त ऐसा कोई चांस नज़र नहीं आता। सोनिया खालिद ने सवाल किया क्वेटा से कि मेरे एक हाथ में ज़िंदगी की लकीर पर जजीरा बन रहा है और एक जगह पे लकीर डबल हो रही है, इसका क्या मतलब है। देखें, ये डबल होने से मतलब तो ये है कि आखिरी आयाम जो है ना आपके दो मुख्तलिफ ममालकों में, दो मुख्तलिफ घरों में, दो मुख्तलिफ शहरों में हो सकते हैं। और रही बात जजीरे की, तो जजीरा किसी आने वाले वक्त में किसी बीमारी की अलामत को ज़ाहिर करता है, उसके लिए हज़्ब तौफीक सदका दें ताकि आपकी परेशानी और मसाइल हल हों। सुनाया खान ने कहा है कि जी मेरे शादी कब होगी और कैसे रहेगी, और ना ही कोई रिश्ता आ रहा है और ना ही शादी हो रही, इसकी क्या वजह है। देखें जी, एक हाथ में लकीरें आपकी मौजूद हैं और अगर एक काम नहीं हो रहा तो उसके लिए आप कोशिश करें कि एक तो आयत करीमा और सूरह फातिहा को पाबंदी से पढ़ें, और उसके बाद यानी हज़्ब तौफीक सदका दिया करें। अगर आप इस चक्कर में बैठे रहेंगे कि नहीं नहीं वहाँ से कोई अच्छा रिश्ता खुद चल के आएगा, तो ऐसा तो नहीं होता, इसके लिए कोशिश भी करनी पड़ती है और भागदौड़ भी करनी पड़ती है,
तब जाके मामलात होते हैं। और आपके मामलात इंशाल्लाह ये नए साल में ही होंगे, लेकिन कोशिश आपको करनी है, बैठे बिठाए कुछ नहीं होगा। और अल्लाह को राज़ी करें, सूरह फातिहा पढ़ें, आयत करीमा पढ़ें, अल्लाह राज़ी होगा तो मुश्किलें आसान होंगी इंशाल्लाह। और इसके साथ ही इजाज़त दें, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।